नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक एरिया ऑफ ट्रायंगल. हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. वी नो द वेरियस फॉर्मुलाज टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल सच दैट हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, दैट हीरोन फॉर्मूला रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. वी हैव अ फॉर्मूला फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर, राइट. ये बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं. एंड इन इन द इन टेंथ क्लास इफ वी नो ऑल द थ्री वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल then we have a formula for that to find out the area of triangle. So now I am going to how to apply this determinant to find out the area of triangle. So now we are going to study a new formula for area of triangle in which determinant is used, right. In the earlier classes we have studied that the area of triangle whose vertices are x1 y1 x2 y2 x3 y3. Agar vertices given hain, right. So vertices means suppose this is a triangle, this is A, this is B and this is C. So suppose A is given x1 y1, right. B is given x2 y2. Agar kisi triangle ki vertices pata hai hame and the vertices C is x3 y3, right. If the vertices are given, so we know that formula we have studied in class 10th. The formula is half x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. So this formula we have studied in class 10th, right. And I hope you remember this formula. Now this expression, ye formula ko hum log, now this expression can be reduced in the form of determinant. Isko hum log determinant ki form mein bhi reduce kar sakte hain, like this, the written here, right. Now we can find out the area of triangle like this. So this is equal to area of triangle. क्या लिखा है इस एक्सप्रेशन में, अगर आप देखेंगे हाफ लिखा हुआ है, ठीक है हाफ है. तो यहाँ पे फॉर्मूले में देखेंगे आप, यहाँ पे हाफ था, यहाँ पे x1 x2 x3. What is this x1 x2? Vertices. ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है, right? It is given in the question if. और यहाँ पे y1 y2 and y3. So ये y coordinate है, coordinate के y की values. और यहाँ पे 1 1 1. So this is the formula and put it into the determinant. और इसका determinant अगर हम लोग बनाते, right? So this is the reduced formula. ये आया कहाँ से है ये formula? Let me tell you this formula we have studied in class 10, जो ऊपर दे रखा है, उसी formula को determinant की form में reduce कर लिया है. So we know how to expand the determinant. Determinant को कैसे expand करना है हमें आता है. So let us expand it along column 1. Column 1 के along expand करता हूँ. तो element क्या लेंगे? X1, X2, X3. ठीक है. तो एलिमेंट हम लोग लेंगे x1, x2 माइनस का होगा और x3 होगा प्लस का, प्लस x3. सो वी नो दिस थिंग हाउ टू एक्सपेंड इट. अब एक्सपेंड करेंगे तो x1 एलिमेंट लिया तो हाइड करेंगे तो क्या आएगा? y2 y3 1 1. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी y2 माइनस y3. सो डायरेक्टली मैं उसको एक्सपेंड भी कर दे रहा हूं 2 इंटू 2 डिटरमिनेंट को. अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा, y x2 को एक्सपेंड करेंगे रो एंड कॉलम x2 की, तो आएगा y1 माइनस y3. सो अगर y1 माइनस y3 में से मैं लिख लूं इसको y1 y3 माइनस y1, तो माइनस कॉमन लिया ये प्लस हो जाएगा, राइट. अब x3 से एक्सपेंड कीजिए, x3 को हाइड कीजिए, इसको कॉलम को, इस रो को हाइड कीजिए, तो आपको दिखाई देंगे ये एलिमेंट, दीज एलिमेंट्स 1 y1 y2. इसको एक्सपेंड करेंगे तो y1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस y2 को 1 से, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा y1 माइनस y2. अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे ऊपर, लुक एट दिस फॉर्मूला हियर, दिस वन. सो दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो दिस इज इट इज इक्वल टू दिस. सो इस फॉर्मूले को क्या किया, इस फॉर्मूले को डिटरमिनेंट की फॉर्म में रिड्यूस कर लिया. सो दिस फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल, वी नो दैट फॉर्मूला ऑलवेज ऑलरेडी. सो दैट फॉर्मूला इज रिड्यूस इन टू द डिटरमिनेंट फॉर्म. सो हमने उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में बना लिया और हम लोग डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर. सो आई होप दिस थिंग इज लिटिल बिट क्लियर टू यू हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल टू यू, देन इट विल बी मोर क्लियर. लुक एट दिस एग्जांपल हियर. इन दिस एग्जांपल फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसिस आर गिवन, राइट. वर्टाइसिस गिवन है. सो एक गिवन है 3 8. सो सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी वर्टाइसिस, ये वर्टाइसिस गिवन है 3.8, सेकंड वर्टाइसिस गिवन है -4.2 एंड थर्ड वर्टाइसिस इज 5.1, राइट. सो वर्टाइसिस क्या होती हैं? हमें पता है वर्टाइसिस होती हैं जो हमने डिनोट की थी फॉर्मूला में. सो ये था x1 y1, सेकंड वर्टाइसिस थी x2 y2 इन द फॉर्मूला,
एंड थर्ड वर्टाइसिस इज एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, राइट। सो एरिया का फॉर्मूला हमें रिमेंबर होना चाहिए, एरिया इज इक्वल टू डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है, हाफ द फॉर्मूला इज यहां पे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री एंड हियर इट इज वन वन वन। सो दिस इज द फॉर्मूला, और फॉर्मूला कहां से हमें मिला है अब ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अभी पीछे। तो अब देखिए आप इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो x1 की जगह पे क्या पुट करेंगे, व्हाट इज x1 इन दिस केस, x1 इज 3। सो x1 की जगह पे यहाँ पे देखिए आप इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल इक्वल टू हाफ, हाफ रखा, x1 की जगह पे 3। x2 की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस फोर, सो माइनस फोर पुट किया। x3 की जगह पे क्या पुट करेंगे, 5, तो यहाँ पे x3 है तो यहाँ पे इन्होंने 5 पुट कर दिया, ठीक है। y1 कितना है, 8, तो y1 यहाँ पे 8 पुट किया। y2 कितना है, देखो y2 इधर से, y2 इज 2, तो यहाँ पे 2 को पुट किया। y3 पुट करना है यहाँ पे, y3 इज 1, सो यहाँ पे 1 पुट किया, और ये 1 1 1 रहता ही है, राइट। नाउ आई वी नो हाउ टू एक्सपेंड इट, इसको एक्सपेंड कैसे करना है, तो इन्होंने इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया है, रो 1 के अलोंग। तो देखो तीनों एलिमेंट लिखने होते हैं, 381, तो ये लिखा हुआ है 381, तो साइन लगते हैं, यहाँ पे प्लस होता है इसके सामने, यहाँ पे इसके सामने माइनस है और यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, साइन समझ में आ गई है। फिर इनको हाइड कर करके हम लोग फाइंड करते हैं, थ्री के साथ, थ्री के साथ इसको हाइड करेंगे, तो टू वन जा टू एंड माइनस वन, तो यहाँ पे लिखा टू माइनस वन, राइट। फिर एट लिया, एट को हाइड करेंगे, कॉलम हाइड किया तो क्या लिखेंगे, फोर को मल्टीप्लाई करेंगे वन से, तो माइनस फोर आ गया, एंड फाइव मल्टीप्लाइड विद वन, सो माइनस फाइव आ गया, राइट। देन वन लेंगे, यहाँ पे वन लिखा है ये एलिमेंट, सो वन को हाइड करेंगे, रोज एंड कॉलम्स हाइड किए, तो देखो फोर को मल्टीप्लाई करेंगे वन से, तो माइनस फोर आ गया, फिर माइनस का साइन, फाइव टू जा टेन, सो इट कम्स आउट टू बी टेन, राइट। आई होप दिस एक्सपेंशन इज क्लियर, आई होप यू नो दिस एक्सपेंशन ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस दिस थिंग, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट हाफ लिखा ये कैलकुलेशन की, तो द आंसर इन दिस केस इज 61/2 एंड वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, यूनिट स्क्वायर। सो व्हाटएवर बी द यूनिट, यूनिट हमें नहीं गिवन है मीटर में है या सेंटीमीटर में है, तो हम लोग लिख देंगे जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर, सो एरिया यूनिट इज ऑलवेज स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, लाइक दिस, सो वी राइट इट एज यूनिट स्क्वायर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फॉर्मूला। नाउ लुक एट दिस रिमार्क हियर, रिमार्क इज सिंस एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, कभी भी नेगेटिव एरिया नहीं होता है, राइट, इट एरिया में भी जीरो और इट में भी पॉजिटिव क्वांटिटी, सो वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इन इक्वेशन वन। तो जो हमारे पास इक्वेशन वन थी उसमें कई बार क्या होगा, जो डेल की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं एक्सपेंशन करने पे, डेल की वैल्यू कई बार हमारे पास फाइव आ सकती है, सपोज फाइव यूनिट आ गई, सो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऑलवेज इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब होता है मॉडुलस फंक्शन, सो इट ऑलवेज इक्वल टू फाइव। तो समटाइम्स क्या होगा, जब हम लोग डेल को एक्सपेंड करेंगे तो वो माइनस फाइव के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, तो हमें क्या करना है, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, सो वी हैव टू टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू इन दैट केस ऑल्सो, सो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी फाइव यूनिट स्क्वायर। सो माइनस साइन, कई बार हम लोगों का माइनस साइन जो आएगा, इट इज बिकॉज वी आर एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट, इट मे कम माइनस साइन विद नेगेटिव साइन, राइट। सो बट द एरिया क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड, उसका केवल मैग्नीट्यूड ही एरिया की क्वांटिटी होगा, तो हम लोग ऑलवेज वी यूज द एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स मॉडुलस फंक्शन, यू ऑलवेज टेक द पॉजिटिव वैल्यू, राइट। सो इन दैट केस इफ इट इज कमिंग पॉजिटिव, सो नो प्रॉब्लम, इट्स पॉजिटिव, राइट, एंड इफ इट कम्स नेगेटिव, सपोज माइनस फाइव आ रहा है, तो यू डू नॉट टेक द नेगेटिव साइन, व्हाई, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, यू ओनली टेक द फाइव, राइट। सो लुक एट दिस रिमार्क टू, इन दिस रिमार्क टू, इफ एरिया इज गिवन, अगर हमें एरिया गिवन है, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर कैलकुलेशन। सो व्हाट डज इट मीन, उनका मतलब क्या है, अगर हमें एरिया गिवन है वहां पे, सपोज उन्होंने हमें एरिया गिवन है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ एरिया इज इक्वल टू डेल एंड इज इक्वल टू सपोज 12 यूनिट स्क्वायर, राइट। सो अगर हमें कैलकुलेशन करनी है, सपोज कुछ फाइंड आउट करा रहे हैं वो, तो ये जो डेल होता है ये क्या है, ये व्हाट इज दिस 12, this 12 we have discussed in the point 1, this 12 is absolute value, ये जो 12 आया है area, ये absolute value है, तो ये area जो 12 आया है, ये 12 भी हो सकता था डेल की value,
ठीक है, डेल की वैल्यू 12 भी हो सकती थी, या ऐसा हो कि एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस 12 को 12 लिख दिया गया हो, माइनस 12 की वैल्यू भी 12 लिखते हैं एरिया को, एरिया लेने के लिए, राइट। सो दिस डेल में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। तो हम लोग जब भी इसको सोल्व करेंगे, सपोज एरिया गिवन है 12, तो हम लोग जब कैलकुलेशंस करेंगे तो वन टाइम, फर्स्ट टाइम वी हैव टू टेक एरिया इज इक्वल टू, इन द कैलकुलेशंस एरिया इज इक्वल टू 12, एंड द सेकंड टाइम वी नीड टू टेक इन द कैलकुलेशन एरिया मे बी इक्वल टू माइनस 12, राइट। इन दैट केस सो डेल को एक बार 12 लेंगे, एक बार माइनस 12 लेंगे, माइनस हो नहीं सकता एरिया, बट इट कम्स व्हेन वी सोल्व द डिटरमिनेंट, तो नेगेटिव भी आ जाता है। सो कैलकुलेशंस जब हम लोग करेंगे तो वी टेक द पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ द साइंस, राइट। सो लुक एट दिस रिमार्क 3, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क हियर, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। कोलिनियर पॉइंट्स, आई होप यू नो अबाउट द कोलिनियर पॉइंट, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं, कोलिनियर एक वर्ड बना है, कोलिनियर, को मीन्स होता है मैथमेटिक्स में सेम, कोलिनियर मतलब लाइन। अगर तीनों पॉइंट सेम लाइन के ऊपर लाई करेंगे, इफ ऑल द थ्री पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, ए एंड इट इज बी हियर एंड सपोज इट इज सी, अगर सेम लाइन के ऊपर लाई करेंगे पॉइंट, सो दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। सो दैट पॉइंट आर कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट। सो इन दिस एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। तो ये जो तीन कोलिनियर अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं, सो उस केस में क्या होता है, वी ऑलरेडी नो दैट थिंग्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। कोलिनियर पॉइंट्स में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। व्हाई इट इज 0, व्हाट इज द रीजन दैट एरिया इन कोलिनियर ट्रायंगल इज 0, व्हाई एरिया व्हेन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर एरिया इज 0, ऑल द 3 पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन सो दे आर नॉट फॉर्मिंग द ट्रायंगल, मींस देयर इज नो एरिया। Yes, the area of the line is always equal to 0 if the 3 points are on this. Yes, absolutely right. Or I can explain it in a different way also. Suppose, let me explain it with the help of the different way. एक दूसरे तरीके से बताता हूँ. Suppose it is a triangle. This point is B and this point is C. So, is these points are collinear? ये point collinear नहीं है, right? So, this triangle का अगर मुझे area find करना है, तो how to find out the area of this triangle in a simple way? तो मुझे एक simplest way में अगर इस triangle का area find करना है, सो एरिया को मैं फाइंड करूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मुझे बेस पता है और हाइट पता है, सो आई ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला, राइट। नाउ इफ यू लुक एट दिस, अगर इफ दिस 3 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, नो दे आर नॉट लाइंग ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज द हाइट, दिस थिंग इज द हाइट, ये हाइट है ट्रायंगल की, ठीक है। अगर इस सी पॉइंट को मैं इस सी पॉइंट को थोड़ा पास लेके आऊं, सपोज दिस सी पॉइंट इज हियर, यहां पे मैं सी पॉइंट को लेके आया, नाउ दैट सी पॉइंट इज हियर, अब ये सी पॉइंट यहां पे है, ठीक है। तो हाइट क्या हो गई, पहले से कंपैरेटिवली हाइट कितनी हो गई है, कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है। अगर इस सी पॉइंट को और पास में लेके आए, इस सी पॉइंट को अगर और पास में लेके आए, यहां पे लेके आए हम लोग सी पॉइंट को, ठीक है, तो अब हाइट यहां पे ये रह गई है, हाइट और कम हो गई है, ठीक है। इस सी पॉइंट को और पास लेके आता हूं, सपोज ये सी पॉइंट यहां पे लाई करता है, इट इज वेरी नियर बाय टू दिस, सो इट इज फॉर्मिंग अ ट्रायंगल, यस इट इज अ फॉर्मिंग अ ट्रायंगल, बट द हाइट इज वेरी स्मॉल, हाइट बहुत छोटी हो गई है। अगर ये सी पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही लाई कर गया, सो व्हाट इज द हाइट इन दैट केस, जीरो, यस हाइट, हाइट इज जीरो इन दैट केस, एंड इफ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर टू फाइंड आउट द एरिया, सो इन दैट केस एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू जीरो, हाइट इज जीरो इन दैट केस, सो एरिया इज इक्वल टू जीरो। सो दैट्स व्हाई द एरिया ऑफ द 3 कोलिनियर पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। अगर पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें हाइट जीरो हो जाती है, और हाइट जीरो होने की वजह से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला उसको जीरो कर देता है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दैट कॉन्सेप्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जीरो व्हेन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर मीन्स लाइंग ऑन द सेम लाइन। So this is all about the concept we need to use to solve the questions based on the area of triangle. So now let's move to the exercise 4.3 to solve some questions to apply this concept we have discussed on that questions and try to understand that questions, right? And after solving that questions, so this concept is also more clear to you and you understand the things completely whatever we have discussed here. Now let's move to exercise 4.3.